भगवानपुर सीट, भगवानपुर सीट पे 7 साल से कांग्रेस का दबदबा है। सुबोधरा के 2017 में बीजेपी से चुनाव लड़े और हार गए। इस बार बसपा में आने के बाद चुनावी समीकरण बदले हैं। सुबोधरा के क्या नामांकन करने आए हैं से बात करते हैं। सुबोध जी, क्या संदेश देना चाहते हैं नामांकन लिया है? संदेश मैं देना चाहता हूं, अपनी सम्मानित जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। अपनी बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, उनका और संगठन के तमाम पदाधिकारी का मैं तहे दिल से अभिनंदन करना चाहता हूं, और अपनी सम्मानित भगवानपुर समाज विधानसभा की सर समाज की जनता से उनकी आग्रह करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो विश्वास वो जता रहे हैं, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, वो आशीर्वाद वोट के रूप में बदलकर एक बार जनता सेवा करने का विधायक के रूप में मुझे मौका दें। निश्चित रूप से मैं उनसे वादा करता हूं कि उनकी तमाम समस्याओं के समाधान स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की तरह उन्हीं की व्यवस्था के साथ जनता के मैं करूँगा। 3 साल से आपके साथ ही रहे हैं हमारे सत्यवादी, आपने बीजेपी छोड़ी और वो बीजेपी में आए, उन्होंने प्रत्याशी बनाया है, उनसे बात हुई रिजोर्ट इंडिया की, उनका कहना है कि भगवानपुर में कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ परिवारवाद है, क्या कहें? देखिए, राजनीति में परिवारवाद और ये फलानावाद, ये तो सब व्यवस्था चलती रहती है और राजनीति राजनीति होती है, उसमें कोई परिवार और की व्यवस्था नहीं होती। अपनी अपनी व्यवस्था के साथ लोग राजनीति करते हैं, सगे सगे भाई भी अलग अलग पार्टी में राजनीति करते हैं, उस व्यवस्था को छोड़िए, वो व्यवस्था यहाँ पर नहीं चलने वाली है। मैं जनता का सेवक हूँ और 24 घंटे जनता की सेवा में तत्पर रहने वाला जनता का सेवक हूँ सुबोध राकेश। आज वहाँ पर सर समाज अगर इतनी बड़ी संख्या में हिंदू मुस्लिम सभी साथी खड़े होकर आशीर्वाद दे रहे हैं, तो इसका नतीजा है मेरा उनके प्रति समर्पण, 24 घंटे जनता सेवा, तमाम समस्याओं में अपने सर क्षेत्र के लोगों के साथ हर समय 24 घंटे खड़ा रहता है उनका। एक चर्चा चल रही है क्षेत्र में, सुबोध राकेश मुस्लिम विरोधी है, विरोधी रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं चैलेंज के साथ उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो मेरे प्रति माहौल गलत बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास वोट मांगने का भी मुद्दा नहीं है। विकास कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी और उनके जो समर्थक हैं पूरी तरह से फैल हो गए हैं, उनके पास अपने लिए वोट मांगने का मुद्दा नहीं है। सुबोध राकेश के खिलाफ अनाप शनाप प्रचार करना उनका प्रयास है कि किसी तरह मुस्लिम समाज जो बड़ी संख्या में सुबोध राकेश के साथ जुड़ गया है उसको किस तरह से अलग किया जाए। लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, चैलेंज के साथ उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि सुबोध राकेश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई 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 व्यवस्था के साथ लेकर चलने वाला जनता का सेवक है, और निश्चित रूप से कितना भी मेरे खिलाफ उस प्रचार करें। 2020 में जब कोरोना आया, एक बड़ा मुद्दा उठा था कि कांग्रेस विधायक जो है एक लखनऊ गाँव में जमात आईवीडी ले ली, उसमें कांग्रेस विधायक जो पीछे हट गई, सुबोध राकेश ने उनकी मदद की, क्या है वो मामला? ये मामला वास्तविक बात है, कोई मक्कनपुर गाँव मेरी नगर पंचायत में ही पड़ता है, वहाँ के सम्मानित लोग 15-20-25 लोग इस क्षेत्र की निवर्तमान विधायक के पास गए थे। जब लॉकडाउन में सिस्टम बंद हो गया था, बाहर के इंडोनेशिया के वो लोग थे उनको रोक दिया गया, बॉर्डर पे के अंदर नहीं आएंगे, ये लोग उठकर विधायक के पास गए कि पार्टी की कांग्रेस पार्टी की विधायक है, वोट भी दिया हुआ है, जाएंगे सम्मान के साथ अपने मेहमानों का इस्तकबाल करेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। साफ जवाब उन्होंने उनको दिया कि मेरे बस का काम नहीं है। फिर वो लोग मेरे पास आए और मैंने अपनी व्यवस्था के अनुसार अधिकारियों से बात करके उनका समाधान कराया, और जो लोग बाहर के मेहमान थे वो अपनी व्यवस्था में 2-3-4 दिन जितनी उनकी मंदी थी उतनी व्यवस्था बनाकर वो अपने घर को वापस लौटे। इस बार बसपा पे मुस्लिम समाज जुड़ रहा है, बसपा पे मुस्लिम समाज 50% से ज़्यादा तो आज संघर्ष जीत चुका है, मुस्लिम समाज के लोग त्रस्त हो गए, काम नहीं, विकास नहीं, सम्मान नहीं, पूरी तरह पूरा भगवानपुर विधानसभा बर्बादी की कगार पर है, और मुस्लिम समाज की एक भी बस्ती में 7 साल में निवर्तमान विधायक का विकास का वोट नहीं है, ये सोचने का विषय है। इसलिए आज भगवानपुर विधानसभा का मुस्लिम समाज भाजपा वाजी को छोड़कर विकास के साथ, नेता के साथ, चेहरे के साथ खड़ा है, और बड़ी संख्या में आज मुस्लिम समाज के लोग सुबोध राकेश के साथ खड़े होकर मुझे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं सभी सर समाज के लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन और आशीर्वाद करता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ। चलिए, न्यूज़ वन इंडिया की ओर से आपके दिन बधाई, धन्यवाद। जिंदाबाद। जिनका साफ तौर से कहना है कि इस बार भगवानपुर विधानसभा में सर्व समाज उनके साथ है और वो विधायक बनने जा रहे हैं। सहयोगी ऋषभ चौहान के साथ मैं मोहम्मद अजीम, न्यूज़ वन इंडिया, हरिद्वार।